फर्जी वोट मामले में पंजाब के मंत्री अनिल जोशी के हाईकोर्ट से बड़ी राहत मिली है। हाईकोर्ट ने याचिका खारिज करते हुए याचिकाकर्ता विनीत महाजन को 50,000 रुपए जुर्माना लगाया है। आपको बता दें कि इस मामले में याचिकाकर्ता ने जोशी का चुनाव रद्द करने की मांग की थी। यहां आपको एक बार फिर से बता दें कि फर्जी वोट मामले में पंजाब के मंत्री अनिल जोशी के हाईकोर्ट से बड़ी राहत मिली है। हाईकोर्ट ने याचिका खारिज करते हुए याचिकाकर्ता विनीत महाजन को 50,000 रुपए जुर्माना भी लगाया है। आपको बता दें कि इस मामले में याचिकाकर्ता ने जोशी का चुनाव रद्द करने की मांग की थी। इस खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए बात करते हैं हमारे संवाददाता मनोज राठी के साथ। जी मनोज, सबसे पहले यही जानना चाहेंगे कि हमारे जो दर्शक हैं आप उन्हें एक बार बता दें कि क्या था पूरा मामला। जी बिल्कुल, बताना चाहूंगा हरलीन, जो ये अनिल जोशी का जो भाजपा के जो मंत्री हैं अनिल जोशी पंजाब के, उनका ये मामला था कि इस पर चैलेंज किया गया था कि इसके वोट जो है वोट रद्द करने का मामला जो है यहाँ पर याचिका दी गई थी उसी का ये मामला है जिसमें जो है यहाँ पर अर्जी दी गई थी हाईकोर्ट में, तो उसको जो है आज जो है वो रद्द कर दिया गया है। एक बड़ा फैसला हम कह सकते हैं कि यहाँ पर जो है वो आया है। अगर हम बात करें, संपर्क जो है मनोज राठी से टूट गया है, वो दोबारा उनसे जुड़ने की कोशिश करेंगे, लेकिन यहाँ पर एक बार दोबारा से आपको बताना चाहते हैं कि फर्जी वोट मामले में पंजाब के मंत्री अनिल जोशी के हाईकोर्ट से उन्हें बड़ी राहत मिली है और हाईकोर्ट ने याचिका खारिज करते हुए याचिकाकर्ता विनीत महाजन को 50,000 रुपए जुर्माना भी लगाया है। खबरों की दुनिया में आइए हमारे साथ, कहीं भी और कभी भी जुड़िए। हम मिलेंगे फेसबुक पर, हम दिखेंगे यूट्यूब पर, हमें फॉलो कीजिए ट्विटर पर। खबरों के साथ बने रहिए रात दिन।